हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन। आज मेरा टॉपिक है स्टोन क्लैडिंग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्टोन क्लैडिंग के बारे में। आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसका कॉस्ट कितना होता है, आप इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और ये आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है। स्टोन क्लैडिंग एक बहुत खूबसूरत सी नेचुरल चीज़ है। स्टोन क्लैडिंग को कई लोग स्टोन टाइल्स भी बोलते हैं और स्टोन क्लैडिंग भी बोलते हैं। ये बहुत नेचुरल चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है इंटीरियर्स में। चलिए देखते हैं कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप अपने घर में। आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक फॉयर एरिया में यूज़ कर सकते हैं। एंट्रेंस ऑफ द वॉल जो होता है फॉयर एरिया में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इस तरह से पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है लाइट इफ़ेक्ट्स के साथ। आप किसी वॉल को हाईलाइट करने के लिए, जो भी आपकी अच्छी वॉल है उसको हाईलाइट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसका। इस तरह से डाइनिंग एरिया में ये देखिए वुडन फिनिश के साथ स्टोन क्लैडिंग का मर्ज कितना अच्छा है, कितने सुंदर तरीके से लग रहा है ये कॉन्सेप्ट। ये देखिए कंसोल टेबल के साथ स्टोन क्लैडिंग बहुत ही सुंदर लग रहा है डे लाइट में। ये देखिए आप इसको टीवी यूनिट के बैक साइड में भी यूज़ कर सकते हैं और ऊपर से इतना सुंदर जो लाइट इफ़ेक्ट आ रहा है उससे तो ये बहुत ही सुंदर और वार्म लुक सा आ रहा है इसका। ये देखिए कितना रिच लुक है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। ये देखिए लाइटर शेड अब यूज़ करिए वॉल्स पे और डार्क कलर का स्टोन क्लैडिंग यूज़ करिए जिससे आपकी वॉल जो है वो बहुत ही सुंदर लगने वाली है। ये आप पैसेज एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। इसके आगे आप पेंटिंग, लाइट इफ़ेक्ट्स, एसेसरीज़, फ़ोटो फ्रेम्स, कोई फैमिली फ़ोटोज़ अगर आप लगाना चाहते हैं अपने घर में उसके बैक साइड में आप स्टोन क्लैडिंग करा सकते हैं। ये देखिए ड्राइंग रूम में कितना सुंदर इफ़ेक्ट आ रहा है इसका वार्म लुक। सिर्फ फोकस लाइट ऑन है, बाकी लाइट्स ऑफ है, देखिए कितना सुंदर इफ़ेक्ट है। ब्राउन कलर के साथ इसका मर्ज बहुत अच्छा जाता है। अगर आप पूरी वॉल पे नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर आर्टिफिशियल ट्री है लाइट इफ़ेक्ट के साथ, बैकग्राउंड में स्टोन क्लैडिंग है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये, इट्स लुक्स वेरी नाइस। स्टोन क्लैडिंग कई तरह की आती हैं, कई डिज़ाइंस होते हैं इसमें, छोटे छोटे डिज़ाइंस ब्रिक स्टाइल में और छोटी छोटी टाइल्स में भी आती हैं। ये कई तरह की स्टोन क्लैडिंग्स आती हैं जिसको हमें जॉइंट करके भी लगाना पड़ता है और कई साइजेस भी आते हैं इसमें। बेसिकली छोटे साइजेस ही सही रहते हैं बिकॉज वेस्टिंग बहुत ज़्यादा जाता है बड़े साइजेस में। ये देखिए एंट्रेंस वॉल पर इस तरह से स्टोन क्लैडिंग दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। वुडन के साथ इसका बहुत अच्छा लुक आता है। ये देखिए किस तरह से इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। ये एक सैंपल है स्टोन क्लैडिंग का, 3D है ये, ऊपर नीचे इस तरह से है ये। ये हमने यूज़ किया था अपनी एक्चुअल साइट पे। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं रॉम्बस शेप में है ये, ये एक्चुअल पिक्चर है जहाँ पे हमने खुद स्टोन क्लैडिंग एग्जीक्यूट किया है, इंस्टॉल किया है। ये देखिए कितना सुंदर इफ़ेक्ट आ रहा है, ये साइड व्यू है इसका। कुछ वॉलपेपर भी आते हैं लेकिन आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं नेचुरल स्टोन को वॉलपेपर से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपने ऑफिस में टेबल पे लगाया हुआ है स्टोन क्लैडिंग लाइट इफ़ेक्ट्स के साथ। देखिए एंट्रेंस टेबल पे बहुत ही सुंदर इफ़ेक्ट है इसका, 2-3 कलर्स में है ये। और ये स्टोन क्लैडिंग जो है ना सेम डिज़ाइन में कई कलर्स में अवेलेबल होती है और ये बहुत ही जल्दी आपको मिल जाती है, बहुत इजीली आपको मिल जाती है। लाइट इफ़ेक्ट्स के साथ अगर आप स्टोन क्लैडिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये एक और सैंपल है, ये भी हमने एक साइड पे यूज़ किया था। ये बीच में ना इसके एक कॉपर स्क्वायर है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बीच में डार्क कलर। चलिए अब हम देखेंगे कि आप स्टोन क्लैडिंग को कैसे इंस्टॉल करा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं स्टोन क्लैडिंग को इंस्टॉल करने के लिए।
ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में भी आती है, ये बड़े बड़े पीसेस में भी आती है। प्रेफर करेंगे कि आप छोटे पीसेस में ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सेरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स में जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है, जॉइंट्स मिलाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पूरी वॉल पे अगर स्टोन क्लैडिंग लग जाती है तो बिल्कुल भी जॉइंट्स का पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ये 3D टाइल्स होती हैं, इनमें जॉइंट्स का पता भी नहीं चलता है कि ये देखिए किस तरह से इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है मेन बात ये है कि इस ये नॉर्मल वाले सीमेंट से नहीं लगाया जाता है, ये एक पैकेट आता है 200 से 300 तक की रेंज में, तो वो स्पेशल इसी के लिए ही होता है स्टोन टाइल्स। उसमें केमिकल बेस्ड होता है, वो सीमेंट ही होता है बट वो केमिकल बेस्ड होता है, तो उससे बहुत ही अच्छा लगता है ये लगाने में और उससे लुक बहुत अच्छा आता है। अदरवाइज़ नॉर्मल सीमेंट से जो है वो निकलने के चांसेस रहते हैं और ज़्यादा वो बहुत बुरा लगता है। और जब भी इंस्टॉल करें तो कोशिश करें कि ये गंदा ना हो बिल्कुल भी। चलिए, इसका जो कॉस्ट होता है वो 60 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और 400 तक जाता है। इसको आप क्लीन कैसे कर सकते हैं? इसको आप इजीली घर पे ही क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही इजी रहता है इसको क्लीन करने में, लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। नॉर्मल आप ड्राई क्लोथ से इसको क्लीन करिए, डस्ट वगैरह अगर आ जाती है तो, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो आप नॉर्मल वेट क्लोथ से भी क्लीन कर सकते हैं। और ये आप कहाँ कहाँ से ख़रीद सकते हैं? दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप ये रजौरी गार्डन, राजा गार्डन, कीर्ति नगर से परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ गुड़गांव में सोना रोड पे काफ़ी है ये, वहाँ से आप परचेज़ कर। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ आप शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।